हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, दीपावली हो या ईद हो, सब अपने घर को नया लुक देना चाहते हैं, पर कभी कभी बजट ना होने पर या टाइम ना होने पर हम अपने पसंद की चीज़ नहीं कर पाते हैं। पर अब टेंशन की बात नहीं है, हम अब कम बजट में और कम टाइम में अपने किचन को नया लुक दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे किचन के टाइल्स और मार्बल को, इसको मैंने सिर्फ 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से खुद लगाया है, वो भी सिर्फ 2 घंटे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो के बीच में इसको लाइक कर दीजिए और वीडियो के लास्ट में इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मेरे किचन में पहले इस तरह के टाइल्स लगे थे और इस तरह का मेरा मार्बल का स्लैब था। तो इसके लिए मैंने ये फ्लोर मैट लिया है। ये फ्लोर मैट बहुत से कलर में और बहुत से डिज़ाइन में आते हैं, आपको जो भी पसंद आए आप ले सकते हैं, मार्केट मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको अपने जो जहाँ टाइल्स लगे हैं उसके हिसाब से मैंने, उसके साइज़ के हिसाब से मैंने कट कर लिया है। तो जितना भी मेरा लगना है उस कट कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी से लग जाएगा। तो उसके बाद कट करने के बाद मैंने इसमें ग्लू लगाना है। ये फेविकॉल का SR505 आता है, तो इससे ही ये चिपकता है। तो जो ये ग्लू है, इसको पहले आप मैट पे लगाएंगे, उसके बाद आप वॉल पे भी लगाएंगे जहाँ आपको इसको चिपकाना है, तो इससे बहुत ही अच्छे से वो चिपक जाएगा। तो इस तरह से देखिए, कोई भी आप कार्ड ले सकते हैं, किसी भी तरह से इस तरह से उसको डाल के पूरे में फैलाना है। और ये देखिए, इस तरह से पूरे में इसको वॉल पे भी लगाना है। तो इसको लगाते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ये लगा रहे हो, ये केमिकल जब लगा रहे हो, तो उस टाइम आपको गैस वगैरह ऑन नहीं करना है, गैस बंद करके रखना है। जब ये सूख जाएगा फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वो लिक्विड होता है ना, उसको आग जल्दी पकड़ लेती है, तो इसका आपका ध्यान रखना है। उसके बाद जब ये सूख जाएगा या ये लग जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको लगा के प्रेस करना है, तो इसके जितनी भी सिकुड़न और बबल है सारा बाहर निकल जाएगा और ये अच्छे से लग चिपक जाएगा। इस तरह से आपको प्रेस करते जाना है। उसके बाद मैंने स्लैब का जो पेपर बिछा बिछा के मैंने उसका नाप ले लिया था, क्योंकि किचन छोटा होने की वजह से ये अच्छे से नहीं नाप हो पा रही थी, इसलिए मैंने पेपर बिछा बिछा के उसकी नाप लेके मैंने पेपर को इसके ऊपर रख दिया है। और अभी मैंने इस पर निशान लगा दिया है और उसके बाद इसको मैंने कट किया है। तो यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने इसको उल्टे पे चिपकाया और मैंने इसको कट कर दिया, तो इस चीज़ की वजह से ही उल्टा हो गया। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि अगर आपने किसी चीज़ की नाप ली है तो आप सीधे पे इसको चिपका के कट करें। तो इस तरह से ये कट करके ये पूरा स्लैब के हिसाब से ये बन जाएगा। ये देखिए, मैंने उल्टा उसको करके इस कर, अभी इसको जब हम पलटाएंगे तो ये सिंक वाला इस साइड आ जाएगा और वो उस साइड चलेगा। तो बस इतनी गलती होने की वजह से इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको सीधे पे रख के इस तरह का नाप लेना है। तो ये देखिए, हम लोग ने चाहा था कि पूरा एक साथ ही इस पे स्लैब पे आ जाए और सिंक के पास भी एक साथ आ जाए, लेकिन गलती की वजह से फिर हम लोगों को बीच से कट करना पड़ा और सिंक वाला पोर्शन अलग से लगाना पड़ा और ये सीधा स्लैब पे एक साथ लग गया है इस तरह से। तो आपको इस तरह से पूरे स्लैब में भी वो सोल्यूशन लगाना है, गम लगाना है, और इसमें भी मैट पर भी लगाना है और उसको अच्छे से प्रेस कर करके चिपका देना है।
आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जब आप गैस पे कुछ पका रहे हैं और गैस का जो गर्म बर्तन है उसको आपको डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो वो जो मैट है वो चिपक जाएगी। तो उसके लिए आप कोई भी लकड़ी की जो पट्टिया वगैरह होता है ना उसके ऊपर आप गर्म बर्तन रख सकते हैं। बाकी सफाई करने में बहुत आसान हो जाता है, आप उसको बहुत आसानी से सफाई कर सकते हैं, वाइपर से, कपड़े से, किसी भी चीज़ से आप साफ़ कर सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कोई भी गर्म बर्तन जो गैस से उतारा हो उसको नहीं रखना है। बाकी आप हल्का फुल्का जो गर्म चीज़ हो तो वो रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने किचन को एक नया लुक दे सकते हैं, कम पैसों में, कम टाइम में आप इसको फटाफट कर सकते हैं। और आप हर साल चेंज भी कर सकते हैं अपने किचन की टाइल्स को और मार्बल को। तो अगर आपको ज़रा भी मेरे वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहिए।